नमस्कार, आज तक एआई में आपका स्वागत है। आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप 2024 की शुरुआत में अब कुछ ही दिन बचे हैं। आगामी टी20 वर्ल्ड कप 1 जून से यूएसए और वेस्ट इंडीज में खेला जाना है। टी20 वर्ल्ड कप के लिए भारतीय टीम का ऐलान जल्द होने वाला है। इसके लिए अजीत अगरकर की अगुवाई में भारतीय चयनकर्ताओं की मीटिंग इस महीने की आखिरी तारीख 30 अप्रैल या अगले माह के पहले दिन हो सकती है। टी20 वर्ल्ड कप के लिए आईसीसी ने टीम घोषित करने की डेडलाइन 1 मई रखी है, यानी इस डेट तक सभी 20 देशों को अपनी अपनी टीमें चुन लेनी है। भारतीय फैंस को भी अपनी टीम चुने जाने का बेसब्री से इंतजार है। भारतीय चयनकर्ता तो अपनी टीम चुनेंगे ही, उससे पहले हम आपको बताते हैं कि कौन से वे खिलाड़ी हैं जिन्हें टी20 वर्ल्ड कप खेलने का मौका मिल सकता है। बल्लेबाज 5 खिलाड़ी। कप्तान रोहित शर्मा के साथ साथ पूर्व कप्तान विराट कोहली और टी20 के नंबर 1 बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव का वर्ल्ड कप टीम में रहना लगभग तय है। वहीं ओपनर यशस्वी जायसवाल और रिंकू सिंह को भी वर्ल्ड कप खेलने का मौका मिल सकता है। यशस्वी ने हालिया समय में बल्ले से शानदार खेल दिखाया है, जबकि रिंकू सिंह ने भी फिनिशर की भूमिका को बखूबी तरीके से निभाया है। विकेटकीपर 2। विकेटकीपर बल्लेबाजों की बात करें तो ऋषभ पंत और संजू सैमसन वर्ल्ड कप टीम में हो सकते हैं। पंत ने आईपीएल 2024 के जरिए प्रोफेशनल क्रिकेट में वापसी की है। पंत ने कुछ धमाकेदार पारियां खेलकर फॉर्म में होने के संकेत दिए हैं। विकेट के पीछे भी पंत का प्रदर्शन शानदार रहा है। उधर संजू सैमसन को दूसरे विकेटकीपर के तौर पर जगह मिल सकती है। संजू मौजूदा आईपीएल सीजन में राजस्थान रॉयल्स के लिए बल्ले से शानदार खेल दिखा रहे हैं। ऑलराउंडर 3। ऑलराउंडर्स की बात करें तो हार्दिक पंड्या की टीम में एंट्री हो सकती है। हार्दिक आईपीएल 2024 में मुंबई इंडियंस की कप्तानी कर रहे हैं। स्पिन बॉलिंग ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा की भी एंट्री तय मानी जा रही है। जडेजा को अक्षर पटेल पर तवज्जो दी जा सकती है। सिक्स हिटिंग के लिए मशहूर शिवम दुबे की भी स्क्वाड में एंट्री हो सकती है। शिवम गेंदबाजी करने में भी सक्षम है। स्पिनर्स 2। विशेषज्ञ स्पिन गेंदबाजों के तौर पर कुलदीप यादव और युजवेंद्र चहल को वर्ल्ड कप टीम में शामिल किया जा सकता है। लेग स्पिनर चहल भारत के लिए टी20 क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज हैं और वो आईपीएल में शानदार खेल दिखा रहे हैं। चूंकि टी20 वर्ल्ड कप वेस्टइंडीज और यूएसए में होना है, ऐसे में स्लो पिचों पर कुलदीप और चहल का रोल काफी अहम हो सकता है। तेज गेंदबाज 3। फास्ट बॉलिंग यूनिट में जसप्रीत बुमराह और अर्शदीप सिंह की जगह पक्की लग रही है। वहीं मोहम्मद सिराज को भी तीसरे स्पेशलिस्ट तेज गेंदबाज के तौर पर शामिल किया जा सकता है। सिराज मौजूदा आईपीएल सीजन में महंगे साबित जरूर हुए हैं, मगर इंटरनेशनल लेवल पर उनका प्रदर्शन शानदार रहा है। टी20 वर्ल्ड कप के लिए संभावित टीम: रोहित शर्मा कप्तान, यशस्वी जायसवाल, विराट कोहली, सूर्य कुमार यादव, ऋषभ पंत, विकेटकीपर शिवम दुबे, हार्दिक पंड्या, रविंद्र जडेजा, कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह, युजवेंद्र चहल, संजू सैमसन, विकेटकीपर रिंकू सिंह, मोहम्मद सिराज। ये खिलाड़ी भी सिलेक्शन के दावेदार हैं: केएल राहुल, श्रेयस अय्यर, ऋतुराज गायकवाड़, ईशान किशन, मयंक यादव, फिलहाल चोटिल, शुभमन गिल, रियान पराग, अक्षर पटेल, रवि बिश्नोई, मुकेश कुमार। इस बार टी20 वर्ल्ड कप नॉकआउट समेत कुल 3 स्टेज में खेला जाएगा। सभी 20 टीमों को 5-5 के 4 ग्रुप में बांटा गया। हर ग्रुप की टॉप 2 टीमें सुपर 8 में एंट्री करेंगी। इसके बाद फिर सभी 8 टीमों को 4-4 के 2 ग्रुप में बांटा जाएगा। सुपर 8 स्टेज में दोनों ग्रुप की 2-2 शीर्ष टीमें सेमीफाइनल में एंट्री करेंगी। सेमीफाइनल मुकाबलों के जरिए 2 टीमें फाइनल में जगह बनाएंगी। टी20 वर्ल्ड कप का ग्रुप: ग्रुप ए भारत, पाकिस्तान, आयरलैंड, कनाडा, यूएसए। ग्रुप बी इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, नामीबिया, स्कॉटलैंड, ओमान। ग्रुप सी न्यूजीलैंड, वेस्ट इंडीज, अफगानिस्तान, युगांडा, पापुआ न्यू गिनी। ग्रुप डी साउथ अफ्रीका, श्रीलंका, बांग्लादेश, नीदरलैंड्स, नेपाल। आपको ये पेशकश कैसी लगी हमें जरूर बताएं। ऐसे ही दिलचस्प वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें आज तक AI।